80 के दशक में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री अमृता सिंह ने अपने करियर में बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और आज ये इक्का दुक्का फिल्मों में नजर आ जाती हैं। तो वहीं इस दौर में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्मों से नवाजा और आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। दोस्तों यूं तो ये दोनों ही बेहतरीन एक्टर्स हैं, पर बावजूद इसके दोनों की फैमिली बैकग्राउंड में बहुत फर्क है जो इन दोनों को एक दूसरे से काफी हटकर बनाता है। इनके बीच के इन डिफरेंसेस को देखकर कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इन दोनों के बीच कोई रिश्ता हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग रखने वाले इन कलाकारों के बीच एक गहरा कनेक्शन है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इनके उस रिश्ते के बारे में। 80 के दशक के मशहूर सितारे रहे हैं अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह। दोनों ही बेशक एक दूसरे से काफी अलग हैं, पर इसी डिफरेंस से आगे निकलकर दोनों के बीच एक बहुत खास रिश्ता है और वो रिश्ता कोई और नहीं बल्कि एक दोस्ती का रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी दोस्ती आज से नहीं बल्कि 35 सालों पहले से है, जब इन दोनों ने अपनी पहली बार 1985 में आई फिल्म मर्द में काम किया था, उसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई। और जब आगे चलकर दोनों ने साथ में कई सारी फिल्में की तो दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। आपको बता दें कि जब सैफ अली खान ने अमृता सिंह से तलाक लिया था तो उस मुश्किल घड़ी में अमिताभ बच्चन ने ही अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और उनकी मदद की थी, जिसके बारे में कई बार अमृता सिंह ने खुद ही इंटरव्यू में बताया है। आपको बता दें कि इन दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी है कि इन्हें हाल ही में आई फिल्म बदला में देखा गया, जहाँ इन दोनों ने काफी अच्छी केमिस्ट्री शेयर की थी। वहीं आज भी 35 सालों की दोस्ती बरकरार है। आज भले ही दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही बिजी क्यों ना हो, पर एक दूसरे से मिलने का वक्त निकाल ही लेते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तो दोस्तों आपको अमृता सिंह और अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।